मेरे प्यारे दोस्तों, एक बात की नियत करके बैठे इंशाल्लाह कि जितनी भी बातें हम सुने अमल के लिए से सुनेंगे इंशाल्लाह, अमल करेंगे इंशाल्लाह। सिर्फ जिंदगी में सुनना हो, जिंदगी में सुनाना हो और अमल ना हो तो जिंदगी नहीं बनती है। असल जो जिंदगी बनती है, असल जो जिंदगी संवरती है वो अमल करने से संवरती है। और अमल करने का नतीजा क्या होगा? अल्लाह हमें हिदायत की तरफ से मालामाल फरमाएंगे। हिदायत एक बहुत बड़ी अल्लाह की तरफ से नेमत है। जिसे मिली है वो कामयाब है, जिसे नहीं मिली है वो नाकाम है। अल्लाह हम सबको हिदायत नसीब फरमाए। दुनिया में इंसान को सब कुछ मिले, हिदायत न मिले, सीधा रास्ता न मिले, अल्लाह की पहचान न मिले, अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान न मिले, कुरान की पहचान न मिले, हदीस की पहचान न मिले, उस इंसान को दुनिया में कुछ नहीं मिला है। जिसको कुछ नहीं मिला उस इंसान को दुनिया में कुछ नहीं मिला है, और जिसको हिदायत मिली है कुछ नहीं मिला है उसको सब कुछ मिला है। मेरे प्यारे दोस्तों, कुरान करीम में अल्लाह फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं? फबशिर इबाद الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه। अल्लाह फरमाते हैं मेरे बंदों को खुशखबरी सुना दो। और खुशखबरी सुना रहा है भाई? अरे बोलते जाओ ना, खुशखबरी कौन सुना रहा है? अल्लाह फरमाते हैं फबशिर इबाद, मेरे बंदों को खुशखबरी सुना दो। कौन से बंदे? फरमाया الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه। अल्लाह फरमाते हैं मेरे वो बंदे जो कुरान और हदीस की बातों को, जो दीन की बातों को ध्यान से सुने, तवज्जो से सुने और उस पर अमल करे। आगे अल्लाह कुरान करीम में क्या फरमाते हैं? उलाइकल लदीना हदाहुमुल्लाह व उलाइका हुम उलुल अलबाब। अल्लाह फरमाते हैं मेरे बंदो, तुम जमीन पर अमल की नियत करोगे, तुम जमीन पर अमल का इरादा करोगे, मैं आसमान पर तुम्हारे लिए हिदायत के फैसले कर दूंगा। बोलो, हिदायत देने वाली जात किसकी है? और कुरान करीम की इसी आयत में अल्लाह फरमाते हैं मेरे बंदो, तुम सोचने हो कि दुनिया की जिंदगी में अमलमंद कौन है, दुनिया की जिंदगी में चालाक कौन है, दुनिया की जिंदगी में होशियार कौन है, तो इसी आयत करीमा में अल्लाह फरमाते हैं यही वो लोग हैं जो कुरान और हदीस की बातों को ध्यान से सुने, तवज्जो से सुने और उस पर अमल करें। अल्लाह फरमाते हैं उनके लिए हमने हिदायत का फैसला कर दिया है, और यही वो लोग हैं जो अमलमंद है, चालाक है। इसीलिए तो हम हर नमाज में अल्लाह से दुआ मांगते हैं। मांगते कि नहीं मांगते? हिदायत की दुआ मांगते कि नहीं मांगते? क्या मांगते हैं? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। इलाहुल आलमीन, तू हमें सीधा रास्ता बता दे। कौन सा सीधा रास्ता? फरमाया सिरात अल्लदीना अनअमत अलैहिम, वो सीधा रास्ता जिस पर चलने से तू खुश होता हो। हमें खुश किसको करना है भाई? राजी किसको करना है? जिस पर चलने से तू खुश होता हो, जिस पर चलने से तू राजी होता हो, जिस पर चलने से तेरी तरफ से इनामात की बारिश होती हो। और फरमाया ऐसे रास्ते से हम सबको बचा लेगा जिस रास्ते पर चलने से तू नाराज होता हो। अल्लाह से दुआ करो ना हम सबको हिदायत नसीब फरमा दे। हिदायत अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह हमें अगर मिली है तो इसकी